जल्द ही आपके मोबाइल बिल में इजाफा हो सकता है। इस बढ़ोतरी का कनेक्शन 5G से सीधे जुड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप मौजूदा 4G सर्विस का इस्तेमाल करते रहकर इससे जान छुड़ा लेंगे तो भ्रम में नहीं रहिए। टेलीकॉम कंपनी आपको बख्शने वाली नहीं है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर करोड़ों खर्च करने वाली टेलीकॉम कंपनियां एक एक पाई आपसे ही वसूलेंगी। इस रकम को वसूलने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास सिर्फ दो विकल्प हैं। वे या तो भारी भरकम कीमत पर 5G सेवाओं की पेशकश करें या अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए टैरिफ बढ़ाएं। टेलीकॉम कंपनियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग 5G सेवाओं की तरफ रुख करें। ऐसे में वे मौजूदा ग्राहकों के लिए टैरिफ बढ़ा सकती हैं। इस तरह 5G सर्विसेज लॉन्च होने के बाद 4G सेवाओं के महंगे होने का रास्ता भी तकरीबन साफ ही है। 5G स्पेक्ट्रम की बोलियां खत्म हो चुकी है। दूरसंचार कंपनियों ने नीलामी में भारी भरकम खर्च किया है। इस रकम को कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलेंगी। दूरसंचार कंपनियां खर्च की गई रकम को वसूलने के लिए 5G की पेशकश ज्यादा कीमत पर कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे 4G सर्विसेज के दाम भी बढ़ा सकती है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं कि 5G सर्विसेज अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। एक साल के भीतर पूरे देश में यह सर्विसेज शुरू हो जाएगी। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जल्द ही 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम खरीदने की लागत निकालने के लिए दूरसंचार कंपनियां अपनी 5G सेवाओं को 30% महंगी दर पर लॉन्च कर सकती है। जेफरीज का मानना है कि इस साल के अंत तक टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स को भी 2022 तक टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।